आत्मा की पहचान किसको है? जो अंदर आत्मा की ओर अभिमुख होकर के दृष्टि रखता है वही आत्मा को पहचान पाता है। अभी हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है, हमारी दृष्टि पर पदार्थों में है, हमारी दृष्टि मकान पर है, हमारी दृष्टि दुकान पर है, हमारी दृष्टि परिजनों के ऊपर है, हमारी दृष्टि घर के सगे संबंधियों के साथ जुड़ी हुई है। जिस दिन तुम्हारी सगे संबंधी और परिजनों से दृष्टि हट जाएगी उस दिन तुम्हारी दृष्टि आत्म केंद्रित हो जाएगी। जितने भी बाहर के पर पदार्थ पर वस्तुएं हमारे कहां तक साथ देती हैं? जब तक तुम्हारी श्वास चल रही है तब तक सारे संबंध तुम्हारे साथ हैं। बोलो, विचार करो। तुम्हारे पिताजी भी यही कहते थे, ये मकान मेरा है, दुकान मेरी है, हमारे सगे संबंधी मेरे हैं। और आप भी यही कह रहे हैं कि परिवार मेरा है, परिजन मेरे हैं, दुकान मेरी है, मकान मेरे है, घर मेरा है। और आपके बच्चे भी कहेंगे कि यह सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है। कभी उस संपत्ति ने, सत्ता ने कभी आपसे आकर के कहा कि हम तुम्हारे हैं? पर जो 1301 इस बात की पहचान कर लेता है, इस बात को जान लेता है, वो सारे सगे संबंधी संपत्ति सत्ता से व्यामोह को तोड़ करके अपनी आत्मा से नाता जोड़ लेता है। आज के संदर्भ में 4 शब्दों को ध्यान रखना है। एक को जानो, वह एक क्या है, कौन है वह एक? एक को जानो, एक को भजो। जिसको तुम जान लोगे, जिसको तुम पहचान लोगे, जिसको तुम अपना मान लोगे, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, उसी को भजना है। आप भगवान की भक्ति करते हैं? कोई पारसनाथ भगवान की भक्ति करता है, कोई चंदा प्रभु भगवान की भक्ति करता है, कोई शांतिनाथ भगवान की भक्ति करता है, कोई भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करता है, कोई मुनि सुब्रत नाथ भगवान की भक्ति करता है, कोई कोई ना कोई अपने इष्ट आराध्य देव की आराधना करता है। क्यों? उसने उसको जान लिया है। जिसने उसको जाना है वही उसका आराध्य देव है, और जब उसका आराध्य देव वही होता है तो उसमें वो उसको भजने लगता है, और उसको भजता है तो उसको ध्याता भी है। अब मेरा आराधक यही है, आराध्य यही है, अब इसके अलावा मेरे बीच में कोई दूसरा आने वाला नहीं है। आपकी आस्था यदि नमोकार मंत्र पर है तो आप 24 घंटे नमोकार मंत्र को जपते रहते हैं। यदि आपकी आस्था भगवान पारसनाथ पर है तो आपकी आस्था, आपकी दृष्टि, आपका मन, आपका भाव बस भगवान के चरणों में लगा रहता है। जब देखो तब आपके मुख से भगवान का नाम निकलता रहता है, क्योंकि आपने उसको पहचान लिया है। और जिसको जो पहचान लेता है उसको वह फिर भजता भी है। सुबह शाम जब तुम्हारे हाथ में माला रहती तो ओम रीम हरिम श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम रीम हरिम श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अभी आज के समय में पूरे देश में अनुष्ठान चल रहे हैं, विधान चल रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जाप अनुष्ठान चल रहे हैं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज वर्तमान में पंचम काल में भगवान महावीर का सानिध्य नहीं मिला। उनको हमने देखा नहीं, और देखा भी होगा सानिध्य भी पाया होगा, पता नहीं किस पर्याय में पाया होगा, लेकिन आज हमारे लिए हमारे ही भगवान आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी ही है। आज उनकी काया भले छीन हो रही हो, लेकिन उस काया में वो अप्रतिम दर्शन पा रहे हैं, उस आत्म तत्व का अनुभव कर रहे हैं, जिस आत्म तत्व का अनुभव तीर्थंकर भगवंतों ने किया होगा, उस आत्म तत्व का अनुभव उन महापुरुषों ने किया होगा। उसमें से एक महापुरुष के रूप में हम सबके परम सौभाग्य से आज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज हम सबके आराधक देव के रूप में आज है। उनके शरीर की काया को देख करके हर व्यक्ति के दिल में रोना, सिर्फ रोना ही आ रहा है। क्यों? उनसे मोहित था इसलिए नहीं, वो हमारे भगवान है। जब भगवान महावीर मोक्ष को चले गए, मोक्ष हो गया, तो गौतम गणधर इतना रोया कि वो अपने आप को नहीं संभाल पाया। आज हमें वह अंगुली पकड़ कर के हमें रास्ता दिखा रहे थे, और आज हमारे बीच से कोई चला जाए तो दुख होना स्वाभाविक चीज है। हमारे गुरुदेव हैं तो इसलिए नहीं कह रहा हूं, वो तो जगत के गुरुदेव हैं,
और सबकी आस्था सबका श्रद्धान गुरुदेव के चरणों से जुड़ा हुआ है, वो किसी पंथ के नहीं है, किसी मार्ग के नहीं है, वो मोक्ष मार्ग के प्रणेता है और मोक्ष मार्ग के नेता है। इसलिए हमारे गुरुदेव आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज है। हम उनको भजे, भगवान को नहीं देखा, तीर्थंकर भगवंतों को नहीं देखा, और जिन्होंने आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी को देख लिया तो वो यही समझेगा कि तीर्थंकर भी इसी तरह से चर्या करते थे, इसी तरह से विहार करते थे, इसी तरह से अपने जीवन को जिया होगा, क्योंकि मार्ग यही है, पंथ यही है और संत यही है। एक अनुभव की बात है, तो एक को जानो फिर उसी को भजो। जब तुम उसको भजना शुरू कर दोगे तो फिर उसी का तुम ध्यान लगाना शुरू करो, और जब तुम ध्याओगे तो फिर उसको पाने में समर्थ हो सकोगे। तो एक को जानो, एक को भजो, जिसको तुमने जाना है, जिसको तुमने पहचाना है उसी को फिर भजो। जिसका कोई फ्रेंड होता है, एक दूसरे के फ्रेंड तो होते हैं, मित्र तो होते हैं, होते कि नहीं होते बोलो, होते ना, तो क्या करते हो आप, रात दिन उसी की ध्यान में रहते हो, ये मेरा मित्र है, ये मेरा अच्छा मित्र है, ये मेरा हर पल साथ देता है, जब इसको बुलाओ वो आ जाता है, सुख दुख में साथ देता है, क्योंकि तुम्हारी उससे पहचान हो गई है। और जब तुम्हारी उससे पहचान हो जाती है तो तुम रात दिन उसी का नाम लेना शुरू कर देते हो, फिर हर जगह उसकी बात को सुनाना शुरू कर देते हो। जब उसको भजते हो तो फिर उसको ध्यान में भी करते तो स्वप्न में भी वही व्यक्ति आने लगता है, जब स्वप्न में आने लगता है तो फिर तुम उसको इधर पाने में सफल भी हो जाते हो। इसी जिस प्रकार से आप लौकिक जीवन में इस तरह से काम करते हो तो संत कहते हैं तुम परमार्थ के क्षेत्र में इस तरह की भी अनुभूति कर सकते हो। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक शिष्य गुरु चरणों में बरसों से साधना कर रहा था, साधना करते करते उसे लगा कि आज तक मेरी साधना सफल नहीं हो पा रही है, आज तक मैं परमात्मा का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मेरी कमी है। और गुरु चरणों में जाकर के समर्पित हो जाता है कि गुरुदेव बरसों मेरे साधना करते करते निकल गए पर परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें परमात्मा का दर्शन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन जा तू एक ध्यान कर, भैंसे का ध्यान कर। तू भैंसे का ध्यान करना कि मैं भैंसा हूं भैंसा हूं भैंसा हूं, ये भावना भाना। उसने जंगल में जाकर के कुटिया बना करके भैंसे का ध्यान करना शुरू कर दिया। एक ही दिन में वह भैंसा जैसा लगने लगा, अपने आप को भैंसे का अनुभव करने लगा। 3 दिन पूरे हुए, गुरुदेव उसको बुलाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचे कि हे बस तू बाहर आ जा, तेरा काल पूरा हो गया। तो शिष्य कहता है गुरुदेव मैं चाह तो रहा हूं कि बाहर आऊं पर मेरे सिंह इतने बड़े हो गए कि वो दरवाजे से निकल नहीं पा रहे, अटक रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं तू यदि भैंसे का ध्यान लगा कर कि तू भैंसा बन सकता है तो तू परमात्मा का ध्यान लगाएगा तू परमात्मा क्यों नहीं बन पाता है। व्यक्ति की दिशा और सोच में यदि परिवर्तन आ जाए, भावों में परिवर्तन आ जाए तो आज भी आत्मा से परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है बशर्ते हमारी सोच हमारे भाव में परिवर्तन है, क्योंकि हमारी सोच सही नहीं है, हमारे भावों में विशुद्धि नहीं है, हमारे भावों में एकता नहीं है, क्योंकि हम एक को नहीं भज रहे हैं, अब अनेक को अपने मोबाइल में भज रहे हैं। बोलो, पहले का जमाना अच्छा था, जब मोबाइल नहीं होता था तो व्यक्ति बड़े शांति से भगवान के दर्शन करता था, बड़ी भक्ति भाव से प्रभु को भजता था, बड़ी भक्ति भाव से सामायिक करता था, बड़ी भक्ति भाव से एक को ही ध्याता था, एक को भजता था और एक को ही पाने में समर्थ हो पाता था। यदि उस जमाने में तीर्थंकर भगवंतों के जमाने में मोबाइल यदि होता तो लगता है मुझे कि तीर्थंकर भगवान भी मोक्ष को नहीं जा पाते। क्यों? आज हर साधु के पास कोई ना कोई साधन जरूर मिलेगा। हमारा ध्यान एक में लगने चाहिए था, आज हमारा ध्यान अनेक में भटक गया है। तो गुरुदेव कहते हैं 1301 सुख
जो आत्मा को अपना केंद्र बिंदु बना लेता है, जो अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है, जो अपनी आत्मा को जान लेता है, वास्तव में यथार्थ सुख तो वही है। हमारे तीर्थंकर भगवंत जो शाश्वत सुख को पाया है, वो शाश्वत सुख कहाँ है? अपनी आत्मा में है। आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं हमारे पास। और जिस दिन तुम्हें आत्मा की पहचान हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे लिए अपनी आत्मा का ही दिग दर्शन होगा। इसलिए 1301 तेरे पास क्या है? एक आत्मा है, सो यानी वह ही सुख है। इसलिए उस सुख की पहचान करो, और जब तुम्हें पहचान हो जाएगी, जानने लगोगे, तो उसी सुख को पाने के लिए तुम भजन करना शुरू कर दो। अभी हम भजन कम करते हैं, भंजन ज्यादा करते हैं, मनोरंजन ज्यादा करते हैं। आत्मा के लिए परमात्मा बनाने की तुम्हारी क्या तैयारी है बताओ? पूरा जीवन बीत गया है, पर आत्मा के लिए तुमने क्या पुरुषार्थ किया? आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए तुमने क्या सोचा है? है किसी के पास कुछ? सारा जीवन बीत गया है और हमें एक की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन पहचान तो तुम्हें अनेकों की हो गई है। इसलिए अनेक की तुमने पहचान की है, इसलिए तुम्हारा जीवन दुखी है। उसको पाने में तुमने सारा जीवन व्यतीत कर दिया, पा भी नहीं पाए, और मात्र तुम्हें दुख, सिर्फ दुख ही तुम्हारे हाथ लग रहा है। इस दुख से बचना चाहते हो तो अपनी आत्मा को पहचानो और अपनी आत्मा की तरफ केंद्रित होने का पुरुषार्थ करो। जिस दिन तुम्हें आत्मा की पहचान हो जाएगी, तो फिर तुम उसी को भजोगे, उसी का भजन करोगे, फिर उसी को ध्याओगे। उसको ध्याने के बाद फिर तुम क्या करोगे? उसको पाने में पुरुषार्थ, उसको पाने में तुम समर्थ हो पाओगे, सफलता प्राप्त कर लोगे। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने यही क्रम कर रखा था, आचार्य भगवंतों ने भी यही क्रम रखा है। पहले उसकी पहचान करो, जिसके बारे में तुम चाहते हो, जिसके लिए तुम पाना चाहते हो, उसको तुम पहले पहचान करो। ये सही है कि गलत है, ये अच्छा है कि बुरा है, ये हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ये हमारे हित के लिए कि अहित के लिए, ये हमारे कल्याण के लिए कि अकल्याण के लिए। पहले उसकी पहचान होना चाहिए। जब तुम्हें पहचान हो जाएगी, ये पक्का है, इससे हमारा उद्धार है, इससे हमारी आत्मा का कल्याण है, इससे हमारी आत्मा का उद्धार होने वाला है, बस तुम उसको भजना शुरू कर दो। नमोकार मंत्र पर हमारा श्रद्धान होता है तो आप 24 घंटे भजते रहते हो, और व्यक्ति को लाभ भी होता है। जिस प्रभु की तुम आराधना करते हो, उनके प्रति तुम्हारा विश्वास और आस्था होती है, तो लोगों को लाभ भी मिलता है। जिस गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण होता है, उस गुरु का हाथ तुम्हारे मस्तक पर पड़ जाता है, वो मस्तक पर हाथ रखा नहीं और तुम्हारा काम बन जाता है। ऐसे हम लोगों के संपर्क में अनेक लोग होते हैं, जिन दो दर्शन करके जाते हैं, आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, वर्षों और महीनों के काम पड़े होते हैं, उनके काम आशीर्वाद मात्र से हो जाता है। पर मैं आपसे सवाल करता हूँ, यदि मेरे आशीर्वाद में ताकत होती तो ये काम वर्षों क्यों पड़े थे? आशीर्वाद तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। यदि आशीर्वाद से ही सबके काम बनते हैं, तो पकड़ पकड़ करके आशीर्वाद दो और तुम्हारे महीनों सालों पुराने काम बन जाए। नहीं बंधुओं, आशीर्वाद तो बाद में काम करता है, पहले आपका विश्वास और आस्था जिससे जुड़ जाती है, वो आशीर्वाद तब काम करता है। आप बरसों से मंदिर आ रहे हैं, फिर भी तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं। रोज शांति धारा की बोली लेते हैं, फिर भी शांति नहीं आ पा रही है। रोज अभिषेक करते हैं, फिर भी जीवन का मैल नहीं धुल पा रहा है, तो क्यों? पूछो अपने मन से। अब बाहर की सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन अंदर के अभी कनेक्शन नहीं जुड़ा है। आप श्रद्धा से अभिषेक करो, श्रद्धा भक्ति पूर्वक शांति धारा करो, गुरु चरणों में जाओगे तो तुम्हारा काम अपने आप बनेगा। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति यदि वृक्ष के नीचे जाता है, छाया मांगने की जरूरत नहीं है, छाया अपने आप मिलती है। प्रभु चरणों में मांगने के लिए आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहां तक कि भिखारियों को कई बार खाली हाथ रहना पड़ता दिन दिन भर, समझ रहे हो ना? तो एगो में सासदो आदा नान दंसन लखड़ो, सेसा में भाई राभावा, सब्बे संजोग लखड़ा।
मैं एक मात्र शाश्वत आत्मा हूं, मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन। लेकिन अभी हमारी आत्मा में कितनी चीजें जुड़ी हैं? ज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन ज्ञान में और ज्ञान जुड़ते चले जा रहे हैं। बोलो, एक विद्यार्थी है, उसका जो आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान हट करके दूसरा ज्ञान उसमें जुड़ गया, है ना? दर्शन क्या होना चाहिए? वो दर्शन हट करके प्रदर्शन हमारे जीवन में आ गया। सब आत्मा से विमुख हो रहे, आत्मा के गुण धर्म से विमुख हो रहे, हमारी आत्मा विभाव से जुड़ रही है, स्वभाव से हट रही है। संसार के जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, ये सब क्या है? संयोग लक्षण वाले हैं। अभी आप सब यहां पर बैठे हैं, एक संयोग है। संयोग सहज होता है, एक मेला होता है, मेले में चारों दिशाओं से लोग आते हैं, और शाम होते ही सब अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। एक संयोग था। इस संयोग थोड़े समय के लिए होता है। संयोग संयोग जैसा होता है। संयोग में दिखता है कि भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब संयोग बदलता है, टूटता है, तो सब बिखर जाते हैं। ऐसे ही रात्रि के शाम के समय एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी आते हैं, और सुबह होते ही अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाते हैं। संसार भी एक वृक्ष की तरह है, संसार भी एक मेला की तरह है। इसमें अनेक दिशाओं से पक्षी आते हैं, इसमें इस संसार में अनेक पर्यायों से गतियों से आकर के लोग जन्म ले रहे हैं, और आयु पूरा करके अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। पर संत कहते हैं, इसके बीच में आपने यदि अपनी आत्मा की पहचान कर ली, एक को जान लिया, तो समझ लेना कि तुम संसार सागर से तर सकते हो। और अभी हम अनेक को जान रहे हैं, इसलिए संसार सागर में भटक रहे हैं। जो एक को जान लेता वो संसार से पार हो जाता है, जो एक को नहीं जान पाता, अनेक को जान रहा है, वो संसार में निरंतर सड़ रहा है। अब सोचो, अपने आप से पूछो कि हमें करना क्या है, और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए, मेरा स्वभाव क्या है, मैं किस स्वभाव में जी रहा हूं, और मेरा क्या होना चाहिए, और मैं क्या कर रहा हूं। इस तरह की प्रवृत्ति यदि तुम्हारे जीवन में चल रही है कि अपने स्वभाव को छोड़कर के विभाव में लगे हुए हो, तो कभी तुम अपने आप को नहीं जान पाओगे। जब जानोगे भी नहीं, तो भजने का भी काम नहीं रहेगा। जब भजोगे किसको, जब कुछ है ही नहीं है, तो ध्यान भी किसका करोगे? और जब ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, तो पा भी नहीं पाओगे। जो तुम्हें पाना चाहिए वो पा नहीं रहे हैं, और जो नहीं पाना चाहिए उसके तुम पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो। सुबह से शाम तक व्यक्ति घर से बाहर रहता है, किसके लिए रहता है? पाने के लिए रहता है, व्यापार के लिए रहता है, सर्विस के लिए रहता है, नौकरी के लिए रहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रात दिन चिंतित रहता है। ये मेरी व्यवस्था बन जाए, ये मेरा काम बन जाए, ये मेरा ऐसा हो जाए, ये वो वैसा हो जाए। लेकिन कुछ भी सार्थक है क्या? वो सार्थक कुछ भी नहीं है। शाश्वत कुछ भी नहीं है। शाश्वत है तो वह तुम्हारी आत्मा है, जिसको कुछ पाने की जरूरत नहीं है, उसको प्राप्त करने की जरूरत है। खोजने की जरूरत नहीं, खोदने की जरूरत है। आत्मा को तुम खोदोगे तो उतनी जितना खोदोगे उतना तुम पा सकोगे। हम आत्मा को खोजते हैं, पर पदार्थों में खोजते हैं, व्यक्ति में खोजते हैं, वस्तु में खोजते हैं, कहां कहां नहीं खोजते, पर कहीं आत्मा मिली आपको? आचार्य कहते हैं, आत्मा को खोजना नहीं पड़ता है, अंदर से खोदना पड़ता है। जिस दिन तुम इस उपक्रम में जुड़ जाओगे, जिस दिन तुम उद्यम करना शुरू कर दोगे, तुम्हारी आत्मा अपने आप निखर करके बाहर आएगी। जब आत्मा निखर करके आएगी, तो तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं, जैसे एक मृग मारीच दौड़ लगा रहा है।